हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर सत्यम में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि पीएनबी एम पासबुक को कैसे यूज किया जाता है। अगर आपके पास पीएनबी का अकाउंट है तो आप इस ऐप की मदद से घर बैठे अपने अकाउंट की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एम पासबुक। एम पासबुक जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस तरह का ऐप आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने पहले से ही इसे इंस्टॉल करके रखा है। आप जब नया नया कीजिएगा तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, देन ओपन कीजिएगा। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो चलिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी मांगा जाएगा। यह कस्टमर आईडी आपके पासबुक पे लिखा रहता है, आप वहाँ से नोट करके यहाँ फिल कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना यहाँ कस्टमर आईडी फिल करते हैं। कस्टमर आईडी फिल करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, देन प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक है। तो चलिए हम ओटीपी का वेट करते हैं। तो चलिए ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको एक एम पिन सेट करना होगा। तो चलिए 4 डिजिट का एक एम पिन सेट कर लेते हैं। फिर आपको नीचे भी सेम वही लिखना है, उसके बाद सेट एम पिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेट एम पिन पे क्लिक करते हैं आपका देखिए सक्सेस हो गया है, योर एम पिन इज सेट सक्सेसफुल्ली। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने जो एम पिन बनाया है वही आपको यहाँ फिल करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो चलिए ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको आपके अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस पे क्लिक करना है। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट का लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट में। तो चलिए मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अकाउंट का 10 ट्रांजेक्शन लास्ट वाला आपको दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं 16 तारीख को है, 15 तारीख, 14, 14, 14, ये लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आपको दिखाएगा। यहाँ से फिर आपको बैक करना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट भी दिया गया है कि आप कब से कब तक देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे है 2/7/2022 से लेकर 17/7/2022। आप इसे अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं कैलेंडर से। चलिए हम 3/7/2022 से 17/7/2022 के बीच का ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्ड स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, इस डेट के बीच जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे उन सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।